उद्घाटन से पहले ही नवनिर्मित एक्सप्रेस वे में दरारें आ गई हैं। इसकी वजह से दो दिन पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में आते ही आनंद फानन में उस समय से ठीक किया गया था। इधर उद्घाटन से पहले ही एक्सप्रेस वे में आई दरार को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी जल्द ही जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इधर इस मामले में बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने भी ये हामी भरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों या अधिकारी उन सब के ऊपर जांच हो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बड़ी जांच होना चाहिए, ठेकेदार हो चाहे अधिकारी, उन सब के ऊपर में जांच होके और बड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। गुणवत्ता सड़क में रखना यह हमारी प्राथमिकता है और नितिन गडकरी जी ने भी इस बात को कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता को मेंटेन करके ही काम किया जाए और अगर कोई लापरवाही करता है तो उस पर कड़ी जांच के साथ में कड़ी कार्रवाई भी होना। और अब छत्तीसगढ़